अभी हम लोग नेक्स्ट टूर है हमारा, वॉशरूम में एसी लगा हुआ है। मैंने बोला वाह भाई क्या बात है यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो आज हम सफ़र करने वाले हैं इस्लामाबाद से कराची का। काफ़ी लंबा सफ़र है और नॉन स्टॉप ड्राइव करनी है। तो ये है कि अभी हम वैसे हैं तो अभी इस्लामाबाद मोटरवे पे, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा भी रेस्ट किया है, खाना वाना हमने खाया है। हम वैसे आ रहे हैं नारान से। अब ये है कि अब निकल रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखते हैं कि कहाँ स्टॉप करना है। वैसे इरादा तो ये किया है कि हम लाहौर में हम खाना खाएं रात का और 2 घंटे का रेस्ट करें, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट निकलें कराची के लिए। तो भाई अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 10 रुपये खुले, हमने प्लानिंग तो यही की है। दे रहा हूँ 10 रुपये, 10 रुपये खुले नहीं होंगे मेरे पास। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी निकलते हैं। तो भाई वैसे मोटरवे तो बड़ा मस्त बना हुआ है, अगर बंदे को सही तरीके से ड्राइव करनी हो ना तो वो कराची इस्लामाबाद से यहीं आ जाए। लेकिन हाँ, इसमें एक कष्ट ज़रूर है कि कराची से सखर का जो रास्ता है ना वो सबसे तकलीफ दे और बहुत तकलीफ दे। बाकी सखर से इस्लामाबाद तो आप समझ लो मज़े से आ जाओगे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं वैसे इस्लामाबाद से कराची के लिए, कि कल इंशाल्लाह हम दोपहर तक पहुँच जाएंगे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो फिर मिलते हैं। वैसे मोटरवे की जो कंडीशन है वो ये है। चार्जर ये वो गाड़ी है, पंजाब नंबर है ये। गाड़ी खड़ी थी सर्विस सेंटर पे 3 दिन से, तो उन्होंने गाड़ी को उन्होंने उठा लिया। बोला कि भाई ये कोई गुमनाम या चोरी की गाड़ी हो सकती है, तो उन्होंने गाड़ी पुलिस आई और गाड़ी को उठा के ले गई। ये भी सीन होता है। चलो फिर मिलते हैं, अभी हम सोएंगे। बकार भाई हमारे ड्राइव करेंगे अभी और फिर हम इसके बाद करेंगे, तब तक हम आराम करते हैं। ये तीनों भी सो जाएंगे थोड़े दिन में। तो भाई काफ़ी आरामदेह सफ़र रहा। अभी हम लोग लाहौर के करीब ही हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80 किलोमीटर रहता है लाहौर। तो ये है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और खाना वाने का सीन हमने ऑन किया अभी। तो ये है कि थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, तो हम यहाँ पर रुके हैं, बड़ा ज़बरदस्त मोटर वे पे पेट्रोल पम्प, ये सर्विस रेस्ट रूम वगैरह सब ये बनाए हैं उन्होंने, मस्जिद वगैरह। तो यहाँ पर ये कि बंदा इजीली यहाँ पर आकर और खाना वाना खा के नमाज वमाज़ पढ़ के रेस्ट करना हो तो रेस्ट करके और फिर अपने सफ़र के लिए निकल सकता है। तो हम भी इसी तरीके से भी रुके हैं, 1-2 घंटे का हम रेस्ट करेंगे, फिर हम इसके बाद निकलेंगे कराची के लिए, आगे अपना सफ़र हम आगे निकालेंगे। अच्छा ये अभी बनाएंगे ना आप? और दूसरा ये कि काफ़ी अच्छा सफ़र रहा भाई मोटर पर। लेकिन ये जो कलाकार की जो चढ़ाइयाँ और ये जो वहाँ का रास्ता है कलाकार का, वो यार वो बहुत डेंजर है। वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी भी नज़र आई, पुलिस की मोबाइल वगैरह, वहाँ पर बहुत स्लो चलानी पड़ती है क्योंकि वो बहुत डेंजर चढ़ाइयाँ हैं। तो अब ये है कि नहीं नहीं पीछे बैठा हुआ है हमारे चाचा साहब, यहाँ बैठे हुए हैं पीछे, फहीम साहब चेयर पर रेस्ट कर रहे हैं, कुर्सी भी आराम दे। तो अब ये है कि थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलेंगे। भाई खाना पीना तो हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, काफ़ी लंबा रेस्ट कर दिया। वैसे यहाँ पर बाथरूम इतना ज़बरदस्त बना हुआ था, मैंने बोला यार चलो चले आते हैं, कार्ड सिस्टम था, कार्ड से जब अंदर गया वॉशरूम में एसी लगा हुआ है। मैंने बोला वाह भाई क्या बात है यार, पेट्रोल पम्प वाले और मोटर वालों ने लगता है कोई नई रमज निकाली है। चलो खैर खैर से सारा मैं अपना हिसाब किताब फारिग करके और बाहर निकला, तो उसने मुझसे 50 रुपये मांग लिए। तो आज मैंने 50 रुपये का सुसू किया है, बताने का मकसद सिर्फ ये था। तो ये कि अच्छा है लेकिन 50 रुपये का सुसू महंगा है। चलो ठीक है, अब निकलेंगे हम लोग कराची के लिए। तो भाई मुल्तान पहुंच गए हम लोग और अभी रात के 1:15 बज रहे हैं।
अब ये क्या थोड़ा सा नींद आ रही है तो चाय पीना ज़रूरी है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो अभी चाय पी कर और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे। अभी तो मोटरवे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल नवारिश छोड़ दिया है, पुलिस वाले ऐसे ही बस घूम रहे हैं तो बगाओ पे। बाकी ये कि अब कितना सफ़र रह गया, तकरीबन 940 किलोमीटर रह गया। चले फिर मिलते हैं। बाकी ये मोटरवे तो बहुत मस्त है, सखर के बाद से जो रास्ता है वो बड़ा बहुत डेंजर है यार। चले फिर मिलते हैं, अभी देखते हैं अभी कहाँ रुकते हैं। हेलो भाई, सखर के करीब ही हैं हम लोग, तकरीबन 150 किलोमीटर रहता है। फजर हो गई, सारी रात ड्राइव की है, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मोटरवे का, क्योंकि बिल्कुल सलंग रोड है, कोई कुछ भी नहीं है, टर्न वन कुछ भी नहीं है। तो ये है कि अब सारी रात ड्राइव की है और अब फजर का टाइम हुआ है, तो हमने नमाज वमाज ही पढ़ लें, तो नमाज के बाद अब फिर निकलेंगे। और सखर के बाद फिर ये कि हमारी जो रोड्स की हालत है उनका हम आपको कुछ बता नहीं सकते, ये कि बस खेत खेत से वो भी रास्ता गुजर जाए। बाकी मोटरवे का सफ़र तो बड़ा आरामदेह गुजरा। तो ये है कि अभी हमने मोटरवे पे थोड़ा सा रेस्ट किया है, नमाज जहाँ पढ़ी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त हुकूमत ने बनाया हुआ है, ये देखें आप, मस्जिद, रेस्ट रूम, पेट्रोल पम्प सब बनाया है उन्होंने। तो ये कि बंदा यहाँ पर आकर रेस्ट भी कर सकता है, और ये कि नमाज वमाज इसको पढ़नी हो और थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह किसी को डलवाना हो, टक शॉप भी मेरे ख्याल से बने हुए, रेस्टोरेंट भी बने हुए काफ़ी जगहों पर। तो ये कि इस तरीके से कुछ ना कुछ हो जाएगा लोगों का सफ़र के दौरान। तो फिर अब मिलते हैं सफ़र के बाद, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी सी नींद भी करनी है, ड्राइवर चेंज होगा तो फिर सारी रात हमने ड्राइव की है, अब ये कि कोई और बंदा ड्राइव करेगा तो फिर हम सोएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर हम ड्राइव करेंगे, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए भजन सखर शुरू हो चुका है और दबड़न दबड़िंग 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 होना शुरू हो गई है गाड़ी, क्योंकि अभी सखर से तो कोई मोटरवे बना हुआ नहीं है, सलंग रोड का मोटरवे है लेकिन मोटरवे जैसा नहीं है, ये ट्रेंच किंग ऐसे। अलबत्ता नज़ारे कुछ अच्छे अच्छे हैं, हमने रास्ते में खजूर के बागात देखे, मशहूर भी है सखर के खजूर के बागात। तो अब ये है कि भूख लग रही है, नाश्ते का सीन बनाना है, नाश्ते का सीन करके फिर सफ़र के लिए आगे रवा दवा होंगे। सखर का मोटरवे बन जाए तो समझो फिर कराची से इस्लामाबाद का सफ़र जो है ना वो आपका 10-12 घंटे का बिल्कुल बेहतरीन किस्म से। चलो खैर बन जाएगा, इसमें भी काम चल रहा है, बन जाएगा। चलो भाई नाश्ते वाली जगह पे मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है। भाई रास्ते में रोक दिया नाश्ते के लिए एक जगह पे, एक होटल पे। तो सबसे पहले जो काम करते हैं हम लोग करते हैं सुसू का काम, सब भागते हैं पहले वॉशरूम की तरफ और हम भी उसी तरीके से वॉशरूम। सुकून मिल गया सही मायने में। अब होटल की तरफ और नाश्ते का सीन, नाश्तो ची यो, नाश्ता आ गया भाई। यार फिर मलाई नहीं मिली यार, इतनी मुश्किल से मैंने मलाई वलाई खरीदी थी, 2 दिन तो नाश्ता किया मलाई से, लेकिन अभी आज फिर मलाई नहीं मिली, बैड लक। चलो खैर है कोई बात नहीं, नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। अरे भाई वापस जा रहे हो तो क्यों मुंह लटका के जा रहे हो? भाई वापसी जाने में मुंह नहीं लटकाना चाहिए, वो वापस बालाकोट छोड़ता है।
चिल हो के जाओ वरना घर पे भी मूड सूझा हुआ होगा। इधर से ही प्रैक्टिस करो कि अरे छोड़ो जो हुआ सो हुआ, अभी फिर आगे की सोचो। जो हुआ सो हुआ आगे की सोचो। अभी हम लोगों को नेक्स्ट का प्रोग्राम बनाना है। अभी हम लोग नेक्स्ट टूर है हमारा। नहीं बताना है। भाई अपना सिंध भी खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ का जो रोड है, बन जाए बस। हाँ बस मोटरवे बन जाए ना, अपना काम हो जाएगा। भाई ये तो बहुत तकलीफ दे रास्ता है यार, मुल्तान का जो मोटरवे वो उतरते हुए तो ऐसा टाइट मोटरवे था, मतलब हर चीज़ का साइन बोर्ड, सर्विस स्टेशन का साइन बोर्ड, जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ पर साइडों में बैरियर, सब चीज़ें लगी हुई थी। जैसे मुल्तान का मोटरवे नीचे उतरे और हमने जो नज़ारे देखे वो तो कुछ अलग ही थे, मतलब रक्षा भी बीच में आ रहा है, बाइक वाला भी आ रहा है, रेडी वाला भी आ रहा है, ट्रक वाला अपनी मर्जी चल रहा है, मतलब मोटरवे पे तो इतने तरीके से लोग चला रहे थे, वही ट्रक वाले जो मोटरवे मिले वो तरीके से एक लाइन में चल रहे थे। और यहाँ पर सिंध में इंटर होते ही इनको पता नहीं इनकी यादश हो गई, इनका सॉफ्टवेयर जो है ना वो चेंज हो गया, कभी यूँ। और ये सिंध का हाल ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब जो है ना वो सवाल के अंदर उलझ के ख़त्म हो गया। चलो हमारा सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा, अभी दादू क्रॉस हमने कर दिया, आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। हैदराबाद तक पहुंच गए, अभी एक थोड़ा सा सफ़र रहता है यार, कैसे ठंडे से इलाकों में से अभी यहाँ पर आए हैं सिंध के अंदर, ऐसी तपिश है, ऐसी गर्मी है, धूप ऐसे चमाटे करा रही है यार, क्या बताएं यार। बहरहाल अब कराची की तरफ सफ़र जो है वो थोड़ा सा ही रह गया, इससे थोड़ी देर में भी कराची पहुंच जाएंगे। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा लेकिन गर्मी बहुत है यार, जैसे सिंध में इंटर हुआ ना गर्मी बढ़ती गई और अभी तो ऐसा है, ऐसा लग रहा है सूरज बिल्कुल सर पे खड़ा है और धूप चमाटे करवा रहा है। सही है ना, कैसे मौसम में है? खतरनाक मौसम है यार, गर्मी है। हम लोग आबशार का पानी पी रहे थे और सब कुछ, पता नहीं यार क्या क्या नज़ारे थे। चलो बहरहाल ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अब 5-10 मिनट में रेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे कराची के लिए बैक टू द रेगुलर रूटीन। चलो फिर मिलते हैं। हम लोग कराची पहुंच गए, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, अभी एक एक करके सब अपने घर के लिए निकलेंगे। सबसे पहले वकार भाई जा रहे हैं। वकार भाई जी कैसा सफ़र रहा? और हम खैर आपके से यहाँ कराची गुल भाई पहुँच गए हैं और मुझे रिसीव करने मेरे घर वाले आ रहे हैं, अलहमदिल्ला हम लोग अब जाएंगे। भाई कौन सा अपने घर? वो ब्लैक कलर का ये वाला। हाँ हम लोग का अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा खाया पिया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। चलो भाई अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं भाई, इस्लामाबाद से कराची क्रिकेट से घर पहुंच गए, अभी हम लोग भी घर जाएंगे आराम करेंगे भाई। तो फिर ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब चीज़ कर लो। और भाई हम सब अलाफिस करते हैं भाई, अलाफिस कर लो सारे के सारे भाई। बकार भाई अलाफिस, अलाफिस भाई, अलाफिस।